ओके बेटा जी, बिस्मिल्लाह। लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग द रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला रो इज इक्वल टू आर ए ओवर एल, राइट। इसके अलावा हम फॉर्मूले को ऐसे याद कर लें या रेजिस्टेंस का फॉर्मूला याद कर लें, आर इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, तो उससे हम रेजिस्टिविटी को सब्जेक्ट बना सकते हैं, राइट। अच्छा, कल हम बात ये कर रहे थे लास्ट लेसन में कि अगर एक मटेरियल से सेम मटेरियल के जितने मर्जी हम छोटे बड़े कंडक्टर लें, अगर मटेरियल सेम है तो जैसे डेंसिटी सेम है तो रेजिस्टिविटी का सिंबल भी डेंसिटी वाला, यानी इसकी नेचर सेम होती है। और वो नेचर क्या है कि अगर एक ही मटेरियल के सेम मटेरियल के बने हुए डिफरेंट कंडक्टर्स हैं, लेंथ और थिकनेस डिफरेंट है लेकिन रेजिस्टिविटी सेम होगी। तो यहाँ एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उससे रिलेटेड, वो ये कि इफ इट इज सेड कि अगर सेम मटेरियल से दो कंडक्टर बने हैं, एक की लेंथ एल वन, एरिया ए वन, रेजिस्टेंस आर वन है, दूसरे की लेंथ एल टू, एरिया ए टू, रेजिस्टेंस आर टू है, अगर वो सेम मटेरियल के बने हैं, लेंथ एरिया थिकनेस उनकी डिफरेंट है, रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है, लेकिन रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, तो रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है? आर ए ओवर एल, बस पहले वाले के लिए हर चीज के साथ क्वांटिटी के साथ वन वन, तो दूसरे की रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला भी आर ए ओवर एल है, सबके साथ टू टू लग जाएगा, राइट, और वो दोनों इक्वल होंगी। तो बेटा ये फॉर्मूला इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, यहाँ भी लिखा हुआ है कि ये कब यूज करना है, व्हेन इट इज सेड टू कंडक्टर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, तो देन वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला आर वन ए वन ओवर एल वन इज इक्वल टू आर टू ए टू ओवर एल टू। अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे। तो आई वॉन्ट यू टू डू द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन देखेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर वन, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को बेटा? बने मैनी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा। क्वेश्चन है कि वी आर हैविंग अ वायर विच इज 40 सेंटीमीटर लॉन्ग and diameter 0.1 centimeter and this wire has a resistance of 0.1 ohm now my question is what will be the resistivity of the conductor बेटा जी, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। जी बेटा जी, एनी आइडिया? हमारे पास फॉर्मूला लिखा हुआ है, वी आर गोइंग टू अप्लाई द फॉर्मूला। फॉर्मूला इज रो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर ए ओवर एल। अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा? जीरो पॉइंट वन जीरो। अब एरिया जो है ना, उसने तो हमें डायमीटर गिवन है, तो और साइड से हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था कि साइड से देखें तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। तो बेटा हमें डायमीटर दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, फ्रॉम दिस आर रेडियस कितना होगा, इसका हाफ, डायमीटर को 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो 0.1 सेंटीमीटर को 2 पे डिवाइड करेंगे, लेकिन ये सेंटीमीटर में है, स्टैंडर्ड यूनिट जो सा होगा वो मीटर होगा, तो मीटर के लिए इससे सेंटीमीटर कम्स फ्रॉम सेंचुरी 100, हम इस वैल्यू को 100 पर डिवाइड करेंगे, 100 पर डिवाइड करेंगे, इट विल मेक
मच मीटर। अभी हमारे पास रेडियस आ गया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, नहीं आपके लिए लिख रहा हूँ, ओवल लेंथ। अच्छा अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो बेटा आप पाई की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे और रेडियस की जगह उसकी वैल्यू हमने क्या किया था, द डायमीटर वॉज गिवन इन सेंटीमीटर, तो पहले हमने उसे हाफ पे डिवाइड किया टू फाइंड रेडियस, और फिर उसे 100 पे डिवाइड किया टू कन्वर्ट सेंटीमीटर इनटू मीटर। अच्छा लेंथ इज 40 सेंटीमीटर, दैट इज इन सेंटीमीटर, तो मीटर करने के लिए उसको भी 100 पे, सेंटी कम्स फ्रॉम सेंचुरी, 100 से डिवाइड करेंगे इट विल बी दिस मच मीटर। तो बेटा दिस विल बी योर आंसर, बस आगे आप कैलकुलेटर यूज करें। अच्छा व्हाट डू यू एक्सपेक्ट बी टू बी द यूनिट ऑफ द रेजिस्टिविटी, एनी आइडिया? रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओहम और रेजिस्टिविटी की यूनिट होती है ओहम मीटर, राइट बेटा जी? आई वॉन्ट टू रिमूव दिस क्वेश्चन, कैन यू नोट इट डाउन? जी बेटा कैन आई रिमूव दिस क्वेश्चन? जी बेटा मरिया मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? रानिया माहर कैन यू हियर मी क्लियर? जी सर आ रही है। ओके बेटा कैन आई रिमूव दिस क्वेश्चन? बस एक मिनट, आई वाज नोटिंग द लास्ट पार्ट डाउन। ओके ओके बेटा जी, नाउ बेटा द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी गुड वन। क्वेश्चन नंबर टू सेज वी आर हैविंग टू वायर्स, वन इज ऑफ 40 सेंटीमीटर लेंथ एंड अदर इज 70 सेंटीमीटर, वन हैज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, अदर इज 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, द रेजिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट इज 10 ओम, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट, बोथ आर मेड अप ऑफ सेम मटीरियल। जी बेटा आई एम वेटिंग फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चन। जी बेटा जी बेटा जी, एनी आइडिया? आई एम आस्किंग, वी आर हैविंग टू कंडक्टर्स ऑफ सेम मटेरियल, जी बेटा जी, so beta the whenever it is said that two objects are conductors are made up of same material, we are going to use formula r1 a1 over l1 is equal to
आर टू ए टू ओवर एल टू। अच्छा हेयर ना, देर इज अ चैलेंज फॉर सम स्टूडेंट कि वो इस सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने लग जाएंगे। नहीं बेटा, एक बात याद रखनी है, जब भी ऐसा फॉर्मूला जिसमें सेम क्वांटिटी लेफ्ट साइड पर है और वही सेम क्वांटिटी राइट साइड पर है, उनके साथ वन और टू का डिफरेंस आ रहा है, एक तरफ वन लिखा है एक तरफ टू लिखा हुआ है, तो इनमें आपने एक बात ध्यान में रखनी है, इनमें यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं करना आपने स्टैंडर्ड यूनिट्स में, बस यूनिट सेम होनी चाहिए। ऐसा ही फॉर्मूला आप वो क्लॉकवाइज मूवमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में भी कर चुके हैं। और ऐसा ही आप ये बॉयल्स लॉ में भी कर चुके हैं। बेटा जब भी सेम क्वांटिटीज लेफ्ट साइड पर हैं और वही क्वांटिटीज राइट साइड पर हैं और डिफरेंस है एक में राइट वन वन लिखा है और एक में टू टू लिखा हुआ। जी बेटा बोले। जी एनी क्वेश्चन बाहर? सो बेटा जी, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड दैट आपने यूनिट्स को सेम रखना है दोनों तरफ। तो आर वन की वैल्यू कितनी है? गिवन है 10 ओम। एरिया की 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ वाले फर्स्ट वाले की 40 सेंटीमीटर। हमें यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं करना, बस ध्यान में रखना है कि दोनों तरफ यूनिट शुड बी सेम। सेकेंड एरिया इज 0.4 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ है 70 सेंटीमीटर। अच्छा अब आपने एक बात का ध्यान रखना है, वो ये है कि बेटा ये जो सेंटीमीटर डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसल आउट, सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा तो इधर आकर सेंटीमीटर स्क्वायर से भी कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ यू कैन सोल्व द रेस्ट कैलकुलेशन है सर। तो बेटा इस फॉर्मूला में, इसको नोट कर ले, मैं रिमूव करने लगा। इस फॉर्मूला में हमने क्या सीखा कि जब भी हमने कोई ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें क्वांटिटी सेम दोनों साइड पे लिखी है और वन और टू का डिफरेंस है सिर्फ, तो उनमें हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत हमें नहीं। राइट बेटा जी, क्लियर? कैन आई रिमूव इट? जी बेटा जी, कैन आई रिमूव? यस बेटा सर। कैन आई रिमूव क्वेश्चन? ओके बेटा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप कहूंगा कि आप ट्राई करो, क्योंकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा विल बी अ जीनियस स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 18 ओम। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल व्हिच इज थ्राइस इन लेंथ एंड डायमीटर। बेटा एनी एनी स्टूडेंट, आज हमने जो तीन क्वेश्चन किए, ये तीनों क्वेश्चंस किसी अच्छे बच्चे को चैलेंज कर सकते हैं क्लास में, सारे क्वेश्चन तीनों। ये थर्ड क्वेश्चन विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैन यू ट्राई? आई एम वेटिंग फॉर यू टू आंसर। आप ये क्वेश्चन नंबर थ्री ट्राई करने में ऊपर लिख रहा हूं क्वेश्चन में।
जी बेटा जी, एनी आइडिया? हाउ वुड यू डू दैट क्वेश्चन? सर फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा, बस लेंथ और डायमीटर को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी वैल्यू डबल करने के लिए। कर दें, मुझे आंसर बताएं। जी मैंने आज इससे पहले किसी क्वेश्चन के बारे में ये नहीं कहा कि वो ओनली जीनियस स्टूडेंट विल बी एबल टू डू दैट। ओनली वी हैव मेंशन्ड इट हियर। इसमें कोई खास बात है? कैन यू शेयर मी द आंसर? क्या आंसर होगा आपका? जी बेटा, कोई आंसर नहीं है। नाउ आई एम गोइंग टू डू दैट। बेटा, जब भी सेम मटेरियल होगा तो दो कंडक्टर्स हैं तो हम आंखें बंद करके ये फॉर्मूला यूज करें। बेटा जी, फर्स्ट मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है, हम यहाँ वैल्यूज पुट कर रहे हैं, वो 18 ओम। हमें कोई लेंथ और एरिया गिवन नहीं है, बस ये पता है कि सेकंड वाली जो कंडक्टर, उसकी लेंथ और डायमीटर थ्राइस है, 3 टाइम्स है। तो हमें कुछ गिवन ही नहीं है, तो मैथ की तरह जब हमें ना गिवन हो तो हम एक्स और वाई सपोज कर लें। तो हम सपोज कर लेते हैं फर्स्ट वाले का एरिया ए है और उसकी लेंथ एल है, तो वही सेम सिंबल्स यूज करना थोड़ा कन्वीनियंट है। ऑन द अदर साइड, आर टू सेकेंड वाले की डिस्टेंस फाइंड करनी है, उसका लेंथ और डायमीटर थ्राइस है, यानी अगर इसकी लेंथ 3 L है तो वो 3 टाइम्स एल होगी। अगर इसका एरिया ए है, इसका एरिया क्या, यहां क्या लिखेंगे ये बताएं। A2 जी नहीं, उसने कहा डायमीटर थ्राइस है। डायमीटर थ्राइस है तो रेडियस भी थ्राइस होगा, 3 टाइम्स ज्यादा होगा। तो बेटा, एरिया विल बी 9 टाइम्स A। जिसको ये समझ आ जाएगा उसको एक क्वेश्चन समझ आ जाएगा। कैसे? मैंने कल एक चीज पे बहुत टाइम लगाया था और मैंने कहा था इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना। डू यू रिमेम्बर कि जो रेडियस के साथ होता है एरिया उतने टाइम ज्यादा होगा? तो जब रेडियस स्क्वायर टाइम ज्यादा होगा, हमेशा एरिया रेडियस 2 टाइम्स होगा तो एरिया 2 का स्क्वायर 4 टाइम ज्यादा हो जाएगा। रेडियस 3 टाइम्स होगा तो एरिया 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स ज्यादा होगा। तो यहाँ 3 टाइम्स ज्यादा है। अब यहाँ कोई बच्चा सोच सकता है ये तो डायमीटर 3 टाइम्स ज्यादा है, तो कंसीडर करें कि ये स्क्वायर का डायामीटर 30 सेंटीमीटर है।
और इसका 10। इसका डायमीटर 3 टाइम ज्यादा ना, इसका रेडियस कितना होगा 15, और इसका रेडियस कितना होगा 5। तो देखो रेडियस भी 3 टाइम ज्यादा है ना इसका, जब डायमीटर 3 टाइम ज्यादा होता तो रेडियस भी 3 टाइम ज्यादा हो जाता है, और रेडियस 3 टाइम ज्यादा होगा तो एरिया स्क्वायर टाइम होगा, राइट? 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स। तो बेटा नाउ आगे आपका मैथमेटिकल है, ये एरिया विल बी कैंसल विद दिस, लेंथ कैंसल, एंड द आर टू इज गोइंग टू बी द 6 ओम, राइट बेटा जी? कैन यू अंडरस्टैंड, कैन यू नोट इट डाउन? नहीं 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 नह